हेलो, मैं डॉक्टर गीता शमनानी। आज मैं डेमोन्स्ट्रेट करूँगी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट या टोटल WBC काउंट। इस टॉपिक का इंग्लिश वर्जन और बाकी वीडियोस भी जो मैंने हेमेटोलॉजी लैब से रिलेटेड या क्लिनिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड बनाए हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो, देखते हैं सबसे पहले क्या एपरेटस और मटेरियल्स की ज़रूरत होती है इस प्रैक्टिकल को करने के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले माइक्रोस्कोप, काउंटिंग चैम्बर जो एक वीडियो में मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है, न्यूबास काउंटिंग चैम्बर, प्रिकिंग निडल, स्टराइल कॉटन प्रिकिंग के लिए यूज़ आते हैं, एंड देन WBC पिपेट। तो WBC पिपेट हम देखेंगे कैसी होती है। इस तरह की कुछ पिपेट होती है जिसका वाइट नोजल होता है, उस पर तीन तरह की मार्किंग्स होती है, एक 0.5, एक 1 और एक 11। ओके, ये RBC पिपेट से डिफरेंट होती है क्योंकि उसमें 0.5, 1 एंड 101 तक मार्किंग बनी होती है। ओके, इसमें 0.5, 1 और 11 तक की मार्किंग है। इसका जो माउथ पीस है वाइट है, जो RBC पिपेट होती है उसका माउथ पीस रेड है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ पिपेट कैसी दिखती है। कुछ इस तरह की होती है WBC पिपेट। ओके, हम देख सकते हैं इस पर तीन मार्किंग, एक 0.5, एक 1, एक 11। ओके, और इसका जो माउथ पीस है वो भी वाइट है। इसके अंदर छोटी सी बीड है, बीड मतलब एक मोती का दाना है जो वो भी वाइट होता है। ओके, उसके अलावा हमें क्या ज़रूरत पड़ती है टर्क्स फ्लूड की। टर्क्स फ्लूड बेसिकली डाइल्यूशन के काम आता है और WBC के न्यूक्लियस को स्टेन करने के काम आता है। तो देखते हैं क्या कंपोजिशन होता है या क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं टर्क्स फ्लूड के। टर्क्स फ्लूड में सबसे ज़्यादा एक ये ग्लेशियल एसिटिक एसिड, जेंशन वॉयलेट एंड डिस्टिल वाटर होता है। ग्लेशियल एसिटिक एसिड होता है 1.5 ml, जेंशन वॉयलेट का 1% होता है 1.5 ml एंड डिस्टिल वाटर 100 ml। मतलब 1.5 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड का लेते हैं और 1.5 ml 1% जेंशन वॉयलेट का लेते हैं और डिस्टिल वाटर का 100 ml लेते हैं। इन दोनों को हम डिस्टिल वाटर में डिसॉल्व करते हैं। अब फंक्शन क्या है ग्लेशियल एसिटिक एसिड का। ग्लेशियल एसिटिक एसिड बेसिकली RBCs की मेम्ब्रेन को रप्चर करता है। तो क्योंकि RBCs का नंबर WBCs से बहुत ज़्यादा होता है, RBC WBC का रेशियो होता है 600:1, तो अगर बहुत ज़्यादा RBCs होंगे तो WBC काउंट करने में प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए हमें RBCs को रप्चर करना ज़रूरी होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जामिनर कि क्या ये WBC मेम्ब्रेन को रप्चर नहीं करता। करता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड, पर इस कॉन्सेंट्रेशन पर नहीं, वो हाई कॉन्सेंट्रेशन पर करता है। नेक्स्ट है जेंशन वॉयलेट। जेंशन वॉयलेट का क्या फंक्शन है यहाँ पर। जेंशन वॉयलेट एक स्टेन होता है जो WBCs के न्यूक्लियाई को स्टेन करता है। ओके, मेम्ब्रेन को या साइटोप्लाज्म को नहीं स्टेन करता, सिर्फ न्यूक्लियस को स्टेन करता है। तो हमें माइक्रोस्कोप में क्या दिखाई देंगे, बेसिकली WBCs के न्यूक्लियाई जो कि स्टेन होंगे जेंशन वॉयलेट के। ये अपरेटस और जो मटीरियल्स यूज़ करते हैं हम लोग इस प्रैक्टिकल में, इसके बारे में था। अब हम देखते हैं कि हम कैसे प्रोसीजर करते हैं, कैसे हम टोटल WBC काउंट या टोटल ल्यूकोसाइट काउंट परफॉर्म करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको टर्क्स फ्लूड के कुछ ड्रॉप्स, टर्क्स सॉल्यूशन के कुछ ड्रॉप्स पहले से ही वॉच ग्लास में रखने हैं और आपका न्यूबास चेंबर पहले से ही माइक्रोस्कोप के 10x पावर में या लो पावर में आपको फोकस्ड रखना है। ओके, इस तरह से WBCs स्क्वायर आपको अंडर लो पावर माइक्रोस्कोप 10x में अंडर माइक्रोस्कोप कुछ इस तरह से दिखते हैं। प्रिकिंग करनी है, प्रिकिंग के लिए देखना होगा कि सबसे पहले फिंगर को स्टरलाइज करना है ना कॉटन स्वैब से, जिसमें पहले से ही स्प्रिट है। ओके, इसको ड्राई करना है पहले, और ड्राई करने के बाद एक सिंगल अटेम्प्ट में प्रिकिंग हो जानी चाहिए। मल्टीपल छोटे छोटे अटेम्प्ट नहीं करने चाहिए, एक ही बोल्ड अटेम्प्ट में प्रिकिंग हो जानी चाहिए। तो कुछ इस तरह से ब्लड का एक बड़ा सा ड्रॉप आपको फॉर्म करना है, जिसमें ये जो WBC पिपेट है इसके टिप को पूरा अंदर इसमें डिप कराना है, और कुछ इस तरह से कैपिलरी एक्शन से ब्लड इसमें एसेंड हो जाएगा। वो इस पिपेट के टिप को टर्क्स फ्लूड में डिप कराना है और
माउथ से सक करना है। तो इस तरह से आपको इस सॉल्यूशन को 11 मार्क तक ले आना है। इस तरह से हम कुछ देखते हैं कि ये ब्लड और टर्क्स फ्लूड दोनों इस बल्ब में फिल्ड हैं, और इसकी रबर ट्यूब को हमें कुछ इस तरह से मोड़ लेना है ताकि फ्लूड यहाँ से इस तरफ रबर ट्यूब में ना भरे। और अब हमें इस तरह से कुछ रोटेट करके दोनों हथेलियों के बीच में इसको मिक्स करना है, और ये मिक्सिंग हमें 3 से 4 मिनट तक करनी है ताकि WBCs इस डायलूटिंग फ्लूड में पूरी तरह से, या ये कहें कि ब्लड इस डायलूटिंग फ्लूड में पूरी तरह से मिक्स हो जाए। तो हमें ये प्रोसीजर 3 से 4 मिनट तक करना है। तो इसमें हमें शुरुआत के 1-2 ड्रॉप्स हमें डिस्कार्ड करने हैं। उसके बाद क्योंकि शुरुआत के जो पोर्शन आएगा वो जो स्टेम में फिल्ड टक्स लूड होता है वो होता है, तो वो हमें डिस्कार्ड कर देने हैं। उसके बाद 1 ड्रॉप हमें एक मार्जिन पे कवर स्लिप के एक बॉर्डर पे सिर्फ टच करानी है, और टच होते ही आप देख सकते हैं कैपिलरी एक्शन से फ्लूड कैसे कवर स्लिप और न्यूबा चेम्बर के बीच में आ गया है। तो फ्लूड हमें यहाँ दिख रहा है न्यूबा चेम्बर और कवर स्लिप के बीच में कैपिलरी एक्शन से आ चुका है। यहाँ देखते हैं कि हमें ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं इन WBC स्क्वायर्स में, ये ब्लैक राउंड डॉट्स जो कि चमकदार हैं, और इनके चारों तरफ एक वाइट हेलो भी दिख रहा है। तो अब हम देखेंगे कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है और वाइवा में बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि कैसे आपने कैलकुलेट किए WBCs। सो सपोज़ आपको इस स्क्वायर में 2 WBCs दिखे, ओके, 2 WBCs इस तरह दिखे, तो इस तरह के स्क्वायर आप किसी पेपर पर ट्रेस कर लेंगे, इस तरह का टेबल बना लेंगे और यहाँ लिखेंगे 2। सपोज़ यहाँ आया 1 WBC, तो 1, तो इस तरह से आपको जितने WBC जिस स्क्वायर में दिख रहे हैं आपको लिखते जाने हैं। एक और रूल यहाँ पर है इन्वर्टेड एल रूल उन WBCs के लिए है जो आपको किसी लाइन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। तो लाइन के ऊपर WBC होने से एक कन्फ्यूजन होता है कि इसको किस स्क्वायर में काउंट करें, तो उसके लिए ये रूल है इन्वर्टेड एल। तो अगर WBC ऊपर वाले बॉर्डर या लेफ्ट बॉर्डर पर दिखाई देता है तो उस स्क्वायर में हम लोग उसको काउंट करते हैं, ओके। सो सपोज़ अगर WBC इस यहाँ पर दिख रहा है तो हम इस स्क्वायर में काउंट करेंगे, यहाँ पर दिख रहा है तो इस स्क्वायर में काउंट होगा, यहाँ पर दिख रहा है तो इस स्क्वायर में काउंट होगा। इससे किसी भी WBC को 2 बार काउंट नहीं करेंगे और 2 WBCs को 1 बार काउंट नहीं करेंगे, इस तरह से हो जाएगा। सो हम क्या करते हैं, इस तरह से नंबर ऑफ सेल्स हम लोग लिख लेते हैं। सपोज नंबर ऑफ सेल्स इसमें आए 23, इसमें आए 24, ये N3, इसमें आए 26 और इसमें आए 27, तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स हुआ यहाँ पर 100, ओके। अब एक फॉर्मूला होता है कि कैसे WBCs निकालते हैं, तो हमें फाइनली काउंट करना है नंबर ऑफ WBCs पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। तो एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ WBCs विच वी नीड टू काउंट इज इक्वल टू N × 50। तो सपोज यहाँ पर अगर हमारा N आया है 100, तो नंबर ऑफ WBCs पर क्यूबिक मिलीमीटर होंगे N × 100 × 50, दैट इज 5000 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ द ब्लड, ओके। सो कुछ इस तरह से हम काउंट करेंगे। अब एग्जामिनर्स बहुत कॉमनली पूछते हैं ये N कहाँ से आया। सो N के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इस मीडियम साइज स्क्वायर, एक मीडियम साइज स्क्वायर का वॉल्यूम क्या होता है। तो ये मैंने पिछले न्यूबा चेम्बर वाले वीडियो में बताया था कि इसका वॉल्यूम होता है 1/160, वो मैंने कैलकुलेट करके बताया था। सो कुछ इस तरह के हमने 16 स्क्वायर्स देखे, 16 इंटू ऐसे 4 स्क्वायर्स में काउंट किया इंटू 4, तो हमने इतने वॉल्यूम में नंबर ऑफ सेल्स हमारे आए N, नंबर ऑफ सेल्स आए N, ओके। तो ये कितना हुआ, 4/10 mm³ में नंबर ऑफ सेल्स आए N। तो 1 mm³ में कितने होंगे, 1 mm³ ऑफ ब्लड में कितने होंगे, N × 10/4, ये वाला 10/4,
अब क्योंकि हमने यहाँ पर डाइल्यूशन किया है 20 टाइम्स, वो मैंने अभी प्रोसीजर में बताया था कि हमने यहाँ पर कितने टाइम्स डाइल्यूशन किया है, 20 टाइम्स, तो हमें इसे 20 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो ये कितना आया, n into 50। तो कुछ इस तरह से हमने ये काउंटिंग किया। ये कैलकुलेशन बहुत कॉमनली पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में। अगर आपको WBC काउंट मिला है तो बहुत हाई चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कैसे आपने कैलकुलेट किया, ठीक है, n into 50 कहाँ से आया। तो आपको ये कैलकुलेट करके दिखाना है। तो ये था सारा कुछ कि हम TLC कैसे निकालते हैं, टोटल WBC काउंट कैसे देखते हैं न्यू वास चेंबर में। थैंक यू।